आज हम बना रहे हैं आलू दम। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। ये निरामिष बनेगा, मतलब नो ऑनियन एंड नो गार्लिक। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगता है, किसी भी चीज़ के संग आप खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, आधा किलो करीबन आलू है। इस तरह से छिलके निकाल लें आप। छिलके अगर मोटे हो तो आप पिलर की मदद से भी आप इसे हटा सकते हैं। इस तरह से आप हटा लें, सारी आलू को रेडी कर लें। आलू को छिलके एक पानी के बॉल में रखेंगे, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरह से आलू रेडी है। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसलिए इसमें से बीच में से हम कट लगा रहे हैं। अगर आपको छोटे आलू मिल जाएँ, छोटे वाले बिल्कुल, तो इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो सारे आलू को कट लगा लेंगे हम। एक कढ़ाई में हम सरसों तेल को गर्म कर लेंगे, काफ़ी गर्म होना चाहिए, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आलू में आपका गंध रह जाएगा तेल का। इस बात का ध्यान रखते हुए अब हमें आलूओं को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के इसे मीडियम से लो फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा तेज़ में करेंगे तो आलू पकेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और मिलाते हुए चलाते हुए हमें इसे उलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेना है बिल्कुल। ये देख रहे हैं हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है इसका। एक बार आपका आलू हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में सारे आलूओं को। और आप चेक कर सकते हैं एक टूथपिक की मदद से कि इजीली टूथपिक या आपका चक्कू आराम से चल जाना चाहिए आलू में, तो आलू बिल्कुल रेडी है। और चलिए अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैंने अदरक और मिर्ची लिया है। अब लेंगे हम टमाटरों को, टमाटर को भी काट के हम ऐड कर देंगे मिक्सी जार में। यहाँ मैंने जितना भी आलू लिया है उसका आधा में टमाटर लेना है, मतलब आधा किलो का मैंने आलू लिया है तो एक पाव करीबन हमें टमाटर लेना होगा। इस रेशियो को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो टमाटर रेडी है, इसमें डालेंगे हम पीनट्स, भुने हुए पीनट है। अब डालेंगे मगज, इसे भी डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। ग्रेवी में ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। मेजरमेंट सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमें, और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग में। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। यहाँ मैंने दिया है जीरा पाउडर, और लेंगे काली मिर्ची पाउडर, इसे भी हम डाल देंगे अपने जार में। हम सारे मसालों को मिला लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे एक बार, जिससे मसाले सारे रेडी हो जाए। अब जिस ऑयल में हमने फ्राई किया था उसी ऑयल का हम यूज़ करेंगे अपने बनाने वाले कढ़ाई में, उसे डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, यहाँ जीरा, सौंफ, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग सब लिया है हमने, वो एक एक करके हम सब चीज़ों को डाल देंगे छौंक में। इस तरह से क्रैकल होने दें। इस स्टेज पे थोड़ा सी कलौंजी भी आप डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास था नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, एक बार अच्छा फ्लेवर एक अरोमा आने लग जाएगा हमारे चौक में से। इसे हम डाल देंगे अपनी बनाई हुई ग्रेवी को, हम धीरे से डाल देंगे और इसे मिला लेंगे और इसे पका लेंगे अच्छे से। मसाला एक बार पक जाए या थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे हम, और डाल के इस तरह से लिक्विडी हम बना देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने फ्राई किए हुए आलू को। इस स्टेज में आलू डालने का पर्पस हमारा यही होता है कि आलू जितना भी है ग्रेवी को सोक कर ले और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, आलू बिल्कुल रॉ ना लगे। ये ऑलरेडी हमारा 80% हुआ हुआ आलू है, इसमें हम डाल देंगे, ये और भी पक जाएगा। और देखिए ग्रेवी बिल्कुल इसमें सोक कर ली है। जब आपको लगे कि बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, और देख रहे हैं साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छोड़ दिया है,
ग्रेवी तो बिल्कुल ये रेडी है। तो इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। यहाँ मैंने दिया था गरम मसाला, थोड़ा सा चीनी दिया है, बंगाली स्टाइल में बना रहे तो चीनी मस्ट होती है इसमें। अब इस लास्ट स्टेज में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी इसमें, और देसी घी डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेंगे फिर से। ये आलू दम बिल्कुल निरामिष है, मतलब नो ऑनियन नो गार्लिक है, और आप देख रहे हैं काफ़ी थिक ग्रेवी बनी है इसकी, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे राइस के संग, रोटी चपाती के संग में, या आप लूची या पूरी के संग में भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप त्योहारों पे भी बना सकते हैं, ये बिना लहसुन प्याज का है और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।